is the role of marketing research in marketing decision making? Friends, in definitions we already understand that कि marketing research क्या है. तो marketing research एक functions है कि जो दो parties को connect करती है. On the one side we have a marketer and on another side we have a customers group. And being a researchers we are going to connect them with the help of informations. कि भाई informations के माध्यम से हम ये दोनों को connect करेंगे. तो exam के अंदर आपको ये figure draw करके पूरा explain करना है कि भाई रोल ऑफ मार्केटिंग रिसर्च क्या है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वो चीज आपको ये फिगर के बेसिस पे एक्सप्लेन करना है. फिगर ड्रॉ करने के बाद आप डेफिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करेंगे सबसे पहले कि भाई रिसर्च के अंदर हमने क्या समझा था, रिसर्च क्या है. देखो भाई रिसर्च एक प्रोसेस है कि जो ये दो पार्टीज को लिंक करती है, कनेक्ट करती है. ऑन द वन साइड वी हैव अ मार्केटर, a company, organizations who want to take a various kinds of decisions. कौन कौन सी decisions उनको लेनी है, like STP, कि भाई market को हमें कैसे small small group में divide करेंगे, क्यों, तो कि भाई हर एक बंदे की needs, wants, requirements same नहीं होगी, तो हमें market में जाके analyze करके different profiles prepared करनी है, different basis के बेसिस के ऊपर मार्केट को सेगमेंट करना है, जियोग्राफी, डेमोग्राफी, साइकोग्राफी. तो सबसे पहले मार्केट को कैसे सेगमेंट करेंगे, कौन सा सेगमेंट कंपनी के लिए सबसे अच्छा रहेगा, तो टारगेट मार्केट सेगमेंट कौन सा रहेगा, कैसे सिलेक्ट करेंगे, कैसे उनको अप्रोच करेंगे, हमारे मार्केटिंग प्रोग्राम्स 4 P's, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशंस क्या होगा, कैसा होगा, करंट प्रोडक्ट है तो उसके अंदर क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, नई प्रोडक्ट के लिए क्या लेके आ सकते हैं, परफॉर्मेंस ऑब्जर्वेशन एंड कंट्रोल, कि भाई आपने जो मार्केटिंग एक्टिविटीज किया है, डिसीजंस लिया है, तो उसका इम्पैक्ट क्या है परफॉर्मेंस के ऊपर, कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, कोई चेंजेस की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है. तो ये सारे डिसीजंस मैनेजमेंट को लेनी है. ऑन अनदर साइड वी हैव अ कस्टमर्स ग्रुप. तो डेफिनेशंस के अंदर हमने समझा था कि भाई कस्टमर्स, कंज्यूमर, पीपल, ये लोगों से हमें सारी facts, figures, informations उनसे gathered करनी है. Now here in this point we enlarge it and now here we include the customers, not only the external customers but also the internal customers, the employees, suppliers and shareholders. They are the internal customers of the organizations. कि भाई company के वो अंदर के ही लोग हैं but वो एक internal customers के रूप में हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं. वो लोग भी अपना व्यूज, परसेप्शन, एटीट्यूड, पॉइंट ऑफ व्यू रिसर्च के अंदर रख सकते हैं, उनको भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. सो दैट्स व्हाई वी एनलार्ज इट एंड मेक इंक्लूडेड इन द कस्टमर्स ग्रुप विथ बोथ एक्सटर्नल कस्टमर्स, कंज्यूमर्स एंड पीपल एज वेल एज ऑल द इंटरनल एम्प्लॉयज. तो ये सारे लोग कस्टमर्स के ग्रुप के रूप में हम उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं. तो हमें रिसर्चर्स के रूप में क्या करना है, तो दोनों को लिंक करना है. मार्केटर्स को हम मिलेंगे, उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे तो हम समझेंगे कि भाई उनको कौन सा इश्यूज है, कौन सा प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कौन सी इंफॉर्मेशन उनको जरूरत है, तो वो चीज़ हम ऑब्जर्व करके फिर मार्केट में जाएंगे, फिर लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, उनके थ्रू क्वेश्चनर्स फिलअप करवाएंगे, उनसे उनके जो इंफॉर्मेशन है, फैक्ट्स, फिगर्स है, वो कलेक्ट करेंगे, और ये जो इंफॉर्मेशन है वो रिपोर्ट के रूप में हम उनको डिसीजन मेकर्स को प्रोवाइड करेंगे. सो दैट कि वे डिसीजन मेकर समझेगा कि भाई मार्केट के बारे में उसको नॉलेज मिलेगा और वो एक डिसीजन लेगा. सेम वे इवन जो मार्केटिंग डिसीजन मेकिंग है, तो वो डिसीजन क्या हुआ, कैसे हुआ, सही है, गलत है, इवन उसको भी हम वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं. तो वंस अगेन इवन डिसीजन लेने के बाद, डिसीजन मेकिंग के बाद, वो डिसीजन सक्सेसफुल है, फेल्योर है, तो वो भी हम रिसर्च कर सकते हैं, मार्केट में जाके पूछ सकते हैं, देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, इवन सेक्टरल डेटा के बिजनेस पे भी चेक कर सकते हैं कि यस, जो हमने डिसीजन लिया है उसकी पॉजिटिव इम्पैक्ट है, नेगेटिव है, सक्सेसफुल है, फेल्योर है. सो इन दैट वे वी आर डूइंग इन अवर रेगुलर वे. तो दिस आर द पॉइंट्स व्हिच वी ऑलरेडी कवर. ये डेफिनेशंस पॉइंट के अंदर हम ये सब कुछ पढ़ के आए हैं. Now, what is the new? अभी यहाँ पे नया क्या है, ये पॉइंट के अंदर हमें नया क्या एक्सप्लेन करना है.
तो एग्जाम के अंदर पहले तो ये डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप दोनों चीजों को एक्सप्लेन करोगे कि भाई मार्केटिंग साइड पे क्या है, कस्टमर साइड पे क्या है, और रिसर्चर्स के रूप में हम उनको कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे नया क्या है ये पॉइंट के अंदर, एज एन ब्रांड बीइंग अ रिसर्चर्स, आप जब रिसर्च करते हो तो उस टाइम पे देयर मे बी सम वेरिएबल्स हु आर गोइंग टू इन्फ्लुएंस यू एज वेल एज गोइंग टू इन्फ्लुएंस द मार्केट प्लेस, कि भाई वो चीज आपके रिसर्च को, आपके रिस्पोंडेंट्स को, मार्केट को इन्फ्लुएंस करने वाला है, वो चीज लोगों के ऊपर इम्पैक्ट करने वाला है, उनके बाइंग बिहेवियर के ऊपर, डिसीजंस के ऊपर, एटीट्यूड परसेप्शंस के ऊपर इम्पैक्ट करने वाला है। ये सारे फैक्टर्स की इवन कंपनी के ऊपर भी इम्पैक्ट आने वाली है। तो रिसर्चर्स के रूप में जब आप रिसर्च करते हो, कोई फैक्ट्स, फिगर्स, फाइंडिंग्स, सजेशंस ये सब कुछ देते हो, तो उस टाइम पे ये फैक्टर्स का भी आपको ध्यान रखना है, उसको भी कंसिडर करना है, और उसके बेसिस पे आपका सजेशंस होना चाहिए, आपका रिसर्च का कंक्लूजन होना चाहिए। तो कौन कौन से वेरिएबल्स है, तो हियर वी कैन हैव द टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, वन इज कंट्रोलेबल वेरिएबल्स एंड अनदर इज अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स, अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स। तो कंट्रोलेबल मार्केटिंग वेरिएबल्स हमने क्यों बोला यहाँ पे, कंट्रोलेबल वेरिएबल्स के अंदर हमने क्या बोला, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशंस, 4 P's, और उसको कंट्रोलेबल वेरिएबल्स क्यों बोला, बिकॉज दिस कंट्रोलेबल मार्केटिंग वेरिएबल्स आर इन द हैंड्स ऑफ मैनेजमेंट, कि भाई कंपनी के रूप में वो लोग इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, डिसीजंस ले सकते हैं कि भाई कंपनी की जो प्रोडक्ट है वो क्या प्रोडक्ट रहेगी, उसके फीचर्स क्या रहेंगे, कब मॉडिफाइड करेंगे, कैसे मॉडिफाइड करेंगे, कौन सी नई प्रोडक्ट आएगी, उसकी प्राइस क्या होगी, इनिशियल स्टेज पे प्राइस क्या होगी, बाद में प्राइस क्या होगी, कितना डिस्काउंट देंगे, कैश ऑन डिलीवरी देंगे या नहीं देंगे, प्रमोशंस कैसे करेंगे, कहाँ पे एडवर्टाइजमेंट देंगे, पर्सनल सेलिंग करेंगे कि नहीं करेंगे, डायरेक्ट मार्केटिंग करेंगे कि नहीं करेंगे, पर्सनल रिलेशनशिप रखना है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट करना है कि नहीं करना है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसा होगा, एक्सटेंसिव होगा, सिलेक्टिव होगा, तो ये सारी डिसीजन जो है वो मैनेजमेंट के हाथ में है, तो दैट्स वाई दे ऑल आर कंट्रोलेबल वेरिएबल्स। तो रिसर्चर्स के रूप में इसकी इम्पैक्ट जो है वो रिसर्च के ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं आने वाली, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई कंपनी की जो 4 P's है, स्ट्रेटेजीज है, वो हमें समझनी पड़ेगी, क्यों, तो कि वो हमें रिसर्च में हेल्प करेगा, कंपनी की प्रोडक्ट क्या है, प्राइस क्या है, पॉलिसीज क्या है, कंपनी पास्ट में कैसे डिसीजंस लेती है, अभी करंट कंपनी के सिचुएशंस क्या है, तो ये सारी चीज़ें हम समझेंगे, क्यों, तो कि वो हमें हेल्प करेगी रिसर्च के अंदर, एंड इट इज अ कंट्रोलेबल वेरिएबल्स, वो कंपनी कंट्रोल कर सकती है, मैनेज कर सकती है। व्हाइल ऑन द अनदर साइड वी हैव अ अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स वेरिएबल्स विच आर नॉट इन द हैंड्स ऑफ मैनेजमेंट, कि भाई वो मैनेजमेंट के हाथ में या हमारे हाथ में नहीं है, दिस एनवायरमेंटल फैक्टर्स इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस द पीपल एंड इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस अवर मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस एंड इवन इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस द ऑर्गेनाइजेशंस एज अ होल। तो ये फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट वो चीज़ों का, ये सारे फैक्टर्स की डेफिनेटली इम्पैक्ट सभी चीज़ों के ऊपर होने वाली है। तो एज अ रिसर्चर, एज एन व्हेन यू आर कैरी आउट योर रिसर्च प्रोसेस, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि ये वेरिएबल्स मार्केट में है नहीं है, कौन सी सिचुएशंस में है, उसकी क्या इम्पैक्ट आ सकती है, वो चीज़ हमें यहाँ पे रिसर्च के अंदर समझनी होगी। लाइक वेरिएबल्स लाइक फर्स्ट इज इकोनॉमी, कि भाई जो कंट्री के अंदर, जो जगह जहाँ पे हम अभी खड़े हैं रिसर्च कर रहे हैं, तो वहाँ की इकोनॉमी कैसी है, इकोनॉमी की कंडीशंस कैसी है, साइक्लिकल कहाँ कौन सी सिचुएशंस में है, इनका इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, तो उस चीज़ का डेफिनेटली मार्केट के ऊपर, लोगों के ऊपर इम्पैक्ट आने वाला है, कि भाई लोगों के पास पैसा है नहीं है, परचेसिंग पावर है नहीं है, तो वो बेसिस पे डेफिनेटली लोगों का आंसर चेंज होगा, कि भाई पैसा नहीं होगा तो लोग नहीं बोलेंगे कि यस मेरे को ये चाहिए, लोगों के पास पैसा होगा, सारी इंफॉर्मेशन, तो एट द टाइम दे विल बी मोर कॉन्फिडेंट, दे विल बी रेडी, देयर मे बी डिमांड, तो फैक्टर्स चेंज होता है, लोगों का व्यूज चेंज होता है, आउटपुट चेंज होता है, तो दैट्स व्हाई वी आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई ये सारे फैक्टर्स कौन सी सिचुएशंस में है, वो कैसे मार्केट में अफेक्ट कर रहे हैं। सेम वे टेक्नोलॉजी, तो करंटली कौन से प्रोडक्ट के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी चल रही है, लोगों का एक्सपेक्टेशंस क्या है, कैन बी प्रिडिक्ट कि भाई कब टेक्नोलॉजी चेंज होगी, कैसे चेंज होगी, नई टेक्नोलॉजी क्या आएगी,
तो उसकी इम्पैक्ट क्या होगी, कंपनी की प्रोडक्ट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगी, कंपनी की प्रोडक्ट रहेगी या ऑब्सोलेट हो जाएगी, तो वो चीज़ भी हमें समझनी पड़ेगी। कंट्रीज के रूल्स, रेगुलेशंस, लॉ, कि भाई आप रिसर्च करते हो, कोई सजेशंस देते हो, तो वो लीगली एक्सेप्टेड है कि नहीं है, कंपनी वो जा सकती है कि नहीं जा सकती है। फिर ऐसा होगा, रिसर्च आपने किया, सजेशंस दिया, कंपनी ने इंप्लीमेंट किया, फिर बाद में जाके लॉ का इश्यू हो गया, प्रॉब्लम हो गया, एंड द कंपनी आर अंडर द प्रेशर्स, इश्यूज, प्रॉब्लम्स। तो कौन कौन से रूल्स है, रेगुलेशंस है, लॉज है, वो भी आपको ध्यान में रखना है एट द टाइम ऑफ इवन एनालाइजिंग एंड गिविंग द सजेशंस। सेम वे जो सोसाइटीज है, कंट्री है, तो उसका सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स कैसा है, लोगों का एटीट्यूड, परसेप्शन, सेटिस्फेक्शन, सेट ऑफ बिलीव्स, वैल्यूज, वो क्या है, वो चेंजेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इवन जनरेशन टू जनरेशन, कि भाई जनरेशन चेंज हो रही है, जनरेशन एक्स, जनरेशन वाई, जनरेशन मिलेनियल, तो जनरेशन चेंज हो रही है तो उसके बेसिस पे उनका कल्चरल के अंदर, सोशल फैक्टर्स के अंदर कोई चेंजेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसकी कोई इम्पैक्ट है कि नहीं है उनकी डिसीजन मेकिंग के, उनकी बाइंग के अंदर। पॉलिटिकल सिचुएशंस, पॉलिटिकल फैक्टर्स, कि भाई जो कंट्री है, जो स्टेट्स है, वहाँ की पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि नहीं है, कौन सी पार्टीज अभी रूलिंग पार्टी है, कौन सी अपोजिशन पार्टी है, क्या चांसेस लगता है, स्टेबिलिटी रहेगी या नहीं रहेगी, गवर्नमेंट जो है उसकी पॉलिसीज क्या है, अगर नई गवर्नमेंट आएगी तो उसकी पॉलिसीज क्या होगी, वो इम्पैक्ट करेगा हमें। क्यों? तो फिर जैसे ही गवर्नमेंट चेंज होती है, जैसे ही कोई नई अगर पॉलिटिकल पार्टी आ गई, वो रूल्स रेगुलेशंस चेंज करेगी, तो डेफिनेटली उसकी इम्पैक्ट कंपनी के ऊपर पड़ने वाली है। तो वो भी हमें समझना पड़ेगा कि भाई पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है, वो चीज़ को भी ध्यान में रख के हमें सजेशंस देना है। सो हियर इन दिस पॉइंट यू नीड टू एक्सप्लेन कि भाई एज अ हमारा जो रोल है मार्केटिंग डिसीजन मेकिंग में, वो क्या है, क्योंकि भाई हमें रिसर्चर्स के रूप में मैनेजमेंट से समझना है क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, वो मार्केट में जानी है, कलेक्ट करनी है, उनको प्रोवाइड करनी है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करनी है, और इवन डिसीजन मेकिंग को इवेल्युएट करना है। बट ये सारी जो प्रोसेस कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हमें क्या ध्यान रखना है कि ये जो वेरिएबल्स है उसकी क्या इम्पैक्ट आ रही है, वो चीज़ भी हमें ध्यान में रखनी है।